आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहले आजमगढ़ पहुंचे थे, उसके बाद वो सुल्तानपुर गए जहां पर उन्होंने एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। मोरारजी देसाई जी ने उसका शिलान्यास किया था, लेकिन 1978 से लेकर के अगले 40 वर्षों तक कोई उसका पुरसा हाल नहीं रहा। ऐसे अनेक योजनाएं थी जो बनती तो थी, लेकिन जब लागू होने की बात आती थी तो उसमें हमेशा समयबद्ध ढंग से काम नहीं चल पाता था। एस्टिमेट रिवाइज करने के लिए जाता था, सरकार पैसा नहीं देती थी और कार्य लटकता रहता था, विकास पिछड़ता था, नौजवानों की रोजगार और नौकरियां छीनती थी और हम विकास के पैमाने पे देश और दुनिया में पिछड़ जाते थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जून 2018 में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, 36 महीने में बनकर के तैयार होना था। आपने कोरोना को देखा है, मार्च से लेकर के मई तक लॉकडाउन था, स्थिति सामान्य होने में 1-2 महीने और लगे और बावजूद हम लोगों का प्रयास है कि हम 15 अप्रैल तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना देंगे, यानी समय से पहले हम बना करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दे रहे हैं। ये पैसे की भी बचत है, जनता की सुविधाओं को अभिवृद्ध करने की दिशा में और निवेश की संभावनाओं को जिससे एक आकर्षक स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयास का हिस्सा है। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा तो है ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों आप सबका सकारात्मक सहयोग भी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हर एक देश का हर निवेशक आकर के यहां पर कार्य करके अपने को सुरक्षित महसूस भी करता है और विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये केवल सड़क का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रदेश की खुशहाली का प्रोजेक्ट भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे का एक जाल उत्तर प्रदेश के अंदर विस्तार दिखाई दे रहा है, जो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की अपेक्षा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हम सबके स्तर पर किए गए प्रयास का हिस्सा है, जिससे प्रदेश की 24 करोड़ जनता के चेहरे पर हम खुशहाली ला सके। और आज उसी क्रम में वाराणसी से ही हम इसका पूरे एक्सप्रेसवे का गाजीपुर से लखनऊ तक हर एक जनपद में इसका निरीक्षण करते हुए आज आपके बीच में आए हैं। आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, ये विकास के प्रति आपकी सोच को प्रदर्शित करता है, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए विकास की सकारात्मक सोच को हम दैनिक जीवन में भी निरंतर बनाए रखेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और धन्यवाद देने के लिए मैं जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके निर्देशन में और आपके प्रेरणा से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य अपने आखिरी फेज में है और आज आपके द्वारा जो निर्देश हम सभी लोगों को दिए गए उसका हम लोग अक्षर से पालन करेंगे। आपके समय बहुमूल्य समय के लिए आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी